2009 से मेरे पास एनएमपी आंकड़े हैं, और अगर आप 2009 से देखें ना, तो जो पहले तीन या चार पाँच साल थे उस समय हम देखते थे कि बजट के दिन जो रिएक्शन है मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो। हालांकि नेगेटिव रिएक्शन हमने ज़्यादा आते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे जब से ये मोदी सरकार बनी है तब से आप देखिए जो रिएक्शन है यानी कि जो इंटरडे मूवमेंट है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है अगर आप क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से देखें। फिर भी आप उम्मीद करके चलिए कि आज एक नया लाइफ हाई बन सकता है 12,103 का, जो हमने हाई बनाया था 3 जून को, वो इंटरडे में हो सकता है कि इस बार आता हो देखिए, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं। पीयूष गोयल साहब ने इंडिकेट किया भी था कि जुलाई में ये हो सकता है, तो मेरी कुछ जानकारों से बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि इंटरडे में हो सकता है कि लेवल आते हुए दिखें, लेकिन हाँ क्लोजिंग बेसिस पे कोई बड़ा मूवमेंट नीचे या ऊपर की ओर आएगा इसकी गुंजाइश आपको कम नजर आती, क्योंकि 12 आंकड़े जो मेरे पास है उसमें से 6 बार तेजी और 6 बार हमने मंदी आती हुई दिखी है, और इस चीज की संभावना काफी कम है कि बड़े मूवमेंट के साथ हम बंद होते हुए दिखें इधर साइड। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंटरडे बेसिस पे अगर आप देखें तो बड़ा मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से ऊपर नीचे बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसकी संभावना कम नजर आती है। कम से कम 2014 के बाद के आंकड़े तो ये दर्शा रहे हैं।